जय माता दी। आप सभी पर जगदम्बा पराम्बा भगवती की कृपा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं नव दुर्गा में द्वितीय दिन की पूजा आराधना में ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना करने पर सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है। मंत्र सबसे पहले श्रवण करते हैं। दधाना कर पद्माभ्याम मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थात माँ दुर्गा जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप से पूजी जाती हैं। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से लिया गया है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों को सभी प्रकार के सुख देने वाला माना जाता है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपचारिणी, यानी तप करने वाली। देवी का द्वितीय दिन नवरात्रि में जो होता है ब्रह्मचारिणी का पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य दिव्य दिखाई देता है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री बन करके जन्म लिया था और नारद के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी ब्रह्मचारिणी के नाम से कहा जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग इत्यादि खाकर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आसमान के नीचे वर्षा धूप सहकर माने कष्ट सहकर तपस्या किया। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई 1000 वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना किया और कहा, हे देवी, आपके समान ना तो कभी किसी ने तपस्या की थी और ना भविष्य में करेगा। माँ चंद्र मौली अर्धांगिनी रूप में बनी। अब तपस्या इनकी पूर्ण हुई और भगवान शिव के साथ में माँ का विवाह हुआ। तो इनकी उपासना जो भी करता है जीवन में उसके कभी भी संघर्ष नहीं आता, सभी सुख प्राप्त करता है। आप सभी पर देवी दुर्गा माँ की कृपा बनी रहे।